सो 20,000 के बजट में आपको बेस्ट फोन चाहिए, वो भी 2024 में, जब काफी कंपनीज अपना फोन जो है मतलब जो पहले 30-40,000 में बेचते थे, वो 20,000 के बजट में लाके उन्होंने रख दिया है। और इस टाइम पे 20,000 के बजट में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है कि कौन सा फोन लेना चाहिए, किस ब्रांड का लेना चाहिए, किस स्पेसिफिकेशंस का लेना चाहिए। सो आज की इस वीडियो में मैं सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ। गेम्स ज्यादा खेलते हो तो आपको अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए, तो कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए उसमें, अगर आप कैमरा ले रहे हो तो कैसा कैमरा होना चाहिए, कितनी की बैटरी होनी चाहिए, और कुछ बेसिक ऐसी चीजें जो हर फोन में होनी ही होनी चाहिए। सो आज की इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं, एंड बिना किसी देरी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रोसेसर पे। प्रोसेसर एक ऐसी चीज है जो कि फोन को पूरा चलाती है, एंड ऑप्टिमाइजेशन पूरा फोन का जो भी होता है, कितनी बैटरी बैकअप दे रहा है, कैसा कैमरा परफॉर्मेंस है, ये ज्यादातर चीजें प्रोसेसर पे ही मैटर करती है। तो प्रोसेसर आपका अच्छा ही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग 10,000 के बजट वाले की बात कर ले, तो इसमें आपको तीन ऐसे प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि काफी अच्छे रहने वाले हैं। एक आपका स्नैपड्रैगन का 680 रहने वाला है, स्नैपड्रैगन का 4 Gen 2, और एक आपका मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6100+5G। और जी हाँ, जितने भी मैं फोन और जितने भी मतलब चीजें बताऊंगी सब आपको 5G में देखने के लिए मिल जाएगी, मतलब 20,000 में रहकर अच्छा सा 5G फोन अपने लिए ले सकते हो ये वीडियो देखने के बाद। सो ये तीन प्रोसेसर हैं जो कि आपके अच्छे खासे परफॉर्म करने वाले हैं 10,000 की रेंज में, और अच्छे खासे इन द सेंस आप ज्यादा हैवी गेमिंग तो इसमें नहीं कर पाएंगे, बट हाँ ये आप ओके ओके गेमिंग कर सकते हैं, मल्टीमीडिया आप अगर स्क्रॉल करते हैं तो वो कर सकते हैं। बट अगर हम ये 15,000 के बजट की तरफ बढ़ते हैं तो 15,000 में भी आपको 3-4 ऐसे प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाते हैं जिनका एंट्री स्कोर 5 से 6 लाख अगर दिखा रहा है तो भाई बेस्ट है वो 15,000 की रेंज में। तो 15,000 में भी जो आपका प्रोसेसर आ जाता है, पहले तो डायमेंसिटी का आ जाता है, एक डायमेंसिटी 6050 और एक डायमेंसिटी 7080। तो ये दोनों जो प्रोसेसर हैं ये भी काफी अच्छे परफॉर्म करेंगे 15,000 की रेंज में, अपने प्राइस के अकॉर्डिंग ही अच्छी परफॉर्म करेंगे। अच्छी परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं कि आप उसको आईफोन या फिर फ्लैगशिप फोन से कंपेयर करें, आप उसको जो है अपने प्राइस के हिसाब से अच्छे परफॉर्म करेंगे। और तीसरा जो आता है वो हमारा जाता है स्नैपड्रैगन की तरफ से, स्नैपड्रैगन 6 Gen 2, एंड ये भी काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला है, एंड इन तीनों के एंट्री स्कोर 6 से 8 लाख के बीच में रहने वाला है और बजट में किल कर देने वाले प्रोसेसर है। और अगर हम लोग 20,000 की रेंज की बात करें, यहाँ पे कौन से प्रोसेसर आपको अच्छे देखने के लिए मिलेंगे, जो कि एक तो आपका जाता है भाई पिछला वाला डायमेंसिटी 7050, जी हाँ गाइस, ये 15,000 की रेंज में मिल जाता है और 20,000 की रेंज में मिल जाता है। 15 बहुत कम मिलता है, अगर मिल रहा है तो भाई बेस्ट है, ये तो 20,000 की रेंज में आपको इजीली आला देखने के लिए मिल जाएगा। और दूसरा आ जाता है डायमेंसिटी का, डायमेंसिटी 7200, और ये भी काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। एंड इसमें दो स्नैपड्रैगन की बात करें हम लोग, तो एक स्नैपड्रैगन आपका रहेगा 695 और दूसरा है स्नैपड्रैगन 7S Gen 2। ये चार प्रोसेसर हैं जो कि 20,000 की रेंज में काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने प्राइस के अकॉर्डिंग। और अगर मैं एट लास्ट ये प्रोसेसर वाली चीजें हटा के सब कुछ बताऊं तो सबसे बेस्ट प्रोसेसर रहेंगे स्नैपड्रैगन के, क्योंकि स्नैपड्रैगन काफी पुराना ब्रांड है जो प्रोसेसर बना रहा है, क्योंकि अभी के टाइम पे सिर्फ 3 ब्रांड है जो कि प्रोसेसर बना रहे हैं। एक आपका स्नैपड्रैगन हो गया, एक मीडियाटेक हो गया जिसका डायमेंसिटी प्रोसेसर आता है, और एक आपका एक्सिनोस वाला हो गया सैमसंग वाला। तो सैमसंग का तो आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है, वो कुछ दिन बाद जो है कुछ सालों बाद जो बहुत ज्यादा स्लो जाते हैं। आप मीडियाटेक का डायमेंसिटी और स्नैपड्रैगन पे प्रेफर कर सकते हैं, बट स्नैपड्रैगन अगर आप लेते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि स्नैपड्रैगन की ऑप्टिमाइजेशन सबसे अच्छी रहती है। तो अगर हम लोग सेकंड पे आते हैं अपने, तो वो आ जाता है हमारी बिल्ड क्वालिटी की, फोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी में बहुत से फोन्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक बैक प्रोवाइड करते हैं और वो फोन बहुत जल्दी टूटते हैं। तो आपको ये चीज भी काफी ध्यान देके खरीदना पड़ेगा फोन कि आपकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। 15,000 की रेंज में आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आराम से देखने के लिए मिल जाएगा, तो अगर आपको प्लास्टिक मिल रहा है तो ट्राई टू अवॉइड इट, बट अगर आपकी स्पेसिफिकेशन ज्यादा अच्छे हैं उसमें, जो कि अभी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, तो आप प्लास्टिक भी ले सकते हो, आपको फोन जो थोड़ा संभाल के चलाना पड़ेगा, बट अगर आपको गोरिल्ला ग्लास मिल रहा है बेस्ट है। और 20,000 की रेंज में तो नहीं, 25,000 की रेंज तक आपको जो है मेटल देखने के लिए मिल जाता है इसमें, मतलब मेटल बैक रहता है, और जो आपकी बिल्ड क्वालिटी है वो इतना मैटर नहीं करेगी, बस ये है आपके फोन को गिरने पे टूटने से बचाएगी, तो आपको ये चीज ध्यान रख के लेनी पड़ेगी। और अगर मेटल नहीं मिल रहा है तो आपको प्लास्टिक ना लेके अभी एक नई चीज मार्केट में आई है वीगन लेदर करके, वो जो कि 20,000 की रेंज में आपको अब देखने के लिए मिल जाएगी, और आपको प्लास्टिक अवॉइड करके अगर मेटल नहीं मिल पा रहा है तो वीगन लेदर वाली बैग जो जिसमें हो आपको वो फोन ही सिलेक्ट करना है। अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं, तो वो आ जाता है हम लोगों का कैमरा। जी हाँ गाइस, बहुत से लोगों को कुछ नहीं मैटर करता है, बस उनकी फोटो अच्छी आनी चाहिए और कैमरा अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं भाई, लालची यहाँ पे नहीं बनना है कि हाँ भाई उस फोन में 4 कैमरे, उस फोन में 3 कैमरे, ऐसा नहीं आपको करना है। कैमरे अगर आपका एक भी है और अच्छा कैमरा है तो वो 3 कैमरे से भी अच्छा परफॉर्म करेगा, एंड यस वो करता है। तो आपको यहाँ पे 3 कैमरे 4 कैमरे देख के फोन के पीछे नहीं जाना है, और ना ही ये देखना कि भाई उसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसमें 50 ही है, और इसमें 16 ही मेगापिक्सल है, उसमें वही 64 मेगापिक्सल है, तो ये चीज भी आपको नहीं जानी है। मेगापिक्सल के पीछे भी आपको लालची नहीं बनना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप फोन लें, अगर आप वैसे तो आपको जो ट्रस्टेड सेलर से ही लेना है, कि आप जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर जो ऑफिशियल स्टोर्स होते हैं वहां से, या फिर अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं, तो भाई सबसे अच्छी चीज आपको जो ध्यान में रखनी कैमरे को लेके,
जो कंपनी अपने सैंपल्स देती है भाई उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। वो सैंपल ऐसे लगते हैं जैसे भाई DSLR फेल है वहाँ पे, तो वो सैंपल्स पे नहीं जाना है आपको। अगर आप स्टोर से ले रहे हो तो आपको क्लिक करके देखनी है फोटोज, अगर जैसे आप ऑफलाइन ले रहे हो तो आप वहाँ पे जाइए फोटोज क्लिक करके देखिए, अपनी सेल्फीज लेके देखिए। अगर आप बैग में ले रहे हैं तो पहले आप थोड़ा एक डिम लाइट में लेके देखिए, नेचुरल लाइट में लेके देखिए। तो वहाँ पे आपको अपने हिसाब से कैमरा सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइस होती है। कुछ होते हैं जिनको नेचुरल फोटोग्राफी एकदम सही लगती है जो कि आपको मोटरोला सैमसंग नथिंग इन सब में देखने के लिए मिल जाती है, और वही कुछ लोग होते हैं जिनको तड़का वाली फोटोज अच्छी लगती है, मतलब थोड़ी सी ब्यूटीफाई होनी चाहिए, गोरे लगने चाहिए ये वो, तो वो जो है आपको ओप्पो वीवो हो गया रियलमी हो गया रेडमी हो गया शाओमी हो गया इन सब में जो है एकदम चटक मटक वाली फोटोज देखने के लिए मिल जाएंगी। सो अब चौथे नंबर पे हम लोग आते हैं तो हम लोगों का आ जाता है डिस्प्ले। जी हाँ गाइस, डिस्प्ले भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपके फोन में कैसा डिस्प्ले है, कितना डिस्प्ले। और डिस्प्ले के नाम पे अभी जो है मार्केट में इतना हाई बनाया जा रहा है कि भाई इसके अंदर 10-bit डिस्प्ले है, कर्व डिस्प्ले है, एमोलेड है, एमोलेड ये है वो है। सो ऐसा कुछ नहीं होता है, डिस्प्ले सिर्फ और सिर्फ तीन टाइप के होते हैं, एक आपका TFT डिस्प्ले हो गया, एक IPS LCD हो गया और एक एमोलेड हो गया। तो TFT जो है वो इस समय बिल्कुल खत्म हो गया मार्केट से, अब वो बहुत ही सस्ते फोन आप अगर जाएंगे 2-2.5 हज़ार में आएगा, और IPS LCD अब जो है 10-15 हज़ार में आ रहा है। और IPS LCD ठीक है, इसमें जो है आपको अगर आप एकदम टॉप IPS LCD लेते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आपको एमोलेड में जाना है, 20 हज़ार के अंदर आपको एमोलेड आराम से देखने के लिए मिल जाएगा। एंड रेडमी और ये सब जो है एमोलेड आपको जो है 15-15 हज़ार पे प्रोवाइड करा रहे हैं। और एमोलेड लेने पे भी आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि उसमें रिफ्रेश रेट कितना है। रिफ्रेश रेट इस टाइम जो 20 हज़ार के प्राइस रेंज में आपको 3 रिफ्रेश रेट मिलेंगे, एक 60 हर्ट्ज़ का, 90 हर्ट्ज़ का, 120 हर्ट्ज़ का। 144 हर्ट्ज़ भी इस समय मार्केट में है 20 हज़ार में, बट 120 144 हर्ट्ज़ में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा, बट 60 हर्ट्ज़ से और 90 हर्ट्ज़ पे जाने में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, और 90 से 120 में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। सिंपली रिफ्रेश रेट क्या होता है, आपका फोन कितना स्मूथली जो है सीन को चेंज कर पा रहा है वो होता है। अब इन सबके बाद हम लोग आते हैं बैटरी पे अपनी, क्योंकि भाई हमारा कैमरा हो गया, डिस्प्ले हो गया, बिल्ड क्वालिटी हो गई, बट अब बैटरी कैसी होनी चाहिए। तो जैसा मैं अगर बताऊं तो आजकल तो सारे फोन, लगभग सारे फोन 6000 mAh की बैटरी पे आ रहे हैं, कुछ फोन है जो 5000 पे हैं, तो आप 5000 वाले भी ले सकते हो, इतना कुछ दिक्कत नहीं है उसमें। जो 5000 वाले फोन है वो 5000 mAh वाले जो फोन है वो आपका 1-1.5 दिन चलेंगे, वही 6000 mAh वाला जो है आपका आराम से 1.5 दिन चल जाएगा, खींच खींचा के आप 2 दिन भी बैटरी चला सकते हो। बट हम लोग जो इतना चलाते नहीं है तो बैटरी का कोई इतना लोचा नहीं रहने वाला है, आप 5000 6000 कुछ भी ले सकते हो। हम लोग क्या है आदत है हम लोगों की, जब भी फोन खाली है लोग भाई चार्जिंग पर ठोकते हैं तब तक चार्ज, तो इतना कुछ दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप बैटरी परफॉर्मेंस ज्यादा चाह रहे हो तो हाईर एमएच पे जा सकते हो। और एक चीज आपको और ध्यान देनी पड़ेगी बैटरी में कि जो फोन जो कंपनी होती है वो काफी बड़े बड़े क्लेम करने लगती है हाइप बनाने के लिए फोन की, कि इसमें जो है 100 वाट सपोर्ट करता है, 150 वाट सपोर्ट करता है। तो आपको वहां पे चेक करना पड़ेगा कि आपको जो फोन चार्जर साथ में दे रहा है, अडेप्टर साथ में जो दे रहा है वो है भी 100 वाट का कि नहीं। तो एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको फोन लेने से पहले देखना पड़ेगा, उस फोन का सॉफ्टवेयर। तो अगर आपको एकदम सिंपल और डिसेंट सा सॉफ्टवेयर चाहिए, क्योंकि आप जो है छपरी टाइप से, मतलब वो वर्ड नहीं यूज करूंगा, बट उस टाइप पे अगर आपको नहीं चाहिए डिसेंट, एकदम डिसेंट सब कुछ होना चाहिए, एकदम सिंपल होना चाहिए, तो आप जो है मोटरोला और सैमसंग और रेडमी में भी जा सकते हो। रेडमी का भी इतना कुछ खराब सॉफ्टवेयर नहीं है, आप इन सब पे जा सकते हो। और एक और चीज आपको ध्यान देनी है, आपके सॉफ्टवेयर में ब्लोटवेयर ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना आपके सॉफ्टवेयर में बग्स होने चाहिए। ब्लोटवेयर मतलब जो आपके प्री इंस्टॉल्ड ऐप होते हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो जो होते हैं वो फोन की परफॉर्मेंस को कुछ हद तक स्लो कर देते हैं। तो ब्लोटवेयर अगर नहीं चाहिए तो आप मोटरोला पे स्विच कर सकते हो, और मोटरोला का सॉफ्टवेयर भी काफी डिसेंट है, आप मोटरोला पे जाइए 0 ब्लोटवेयर मिलेगा तब भी परफॉर्मेंस मिलेगी। और अगर वहीं पे आपको थोड़ा सा क्वर्की टाइप में सॉफ्टवेयर चाहिए, मतलब बढ़िया सा लाइट आइट जलती हो वैसे टाइप में अगर आप जा रहे हो तो आप IQOO पे स्विच कर सकते हो। IQOO हो गया, रियलमी हो गया, वीवो, ओप्पो, इन सब में आपको हर चीज़ मिलेगी, गेम मोड हो गया, और ये मतलब बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखने में जो अच्छी लगे। तो आप जो सॉफ्टवेयर अब आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, आपको सिंपल डिसेंट सॉफ्टवेयर चाहिए या फिर आपको सिंपल डिसेंट प्लस क्वर्की सब कुछ चाहिए, तो आप उस हिसाब से ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हो। तो एक और ऐसी चीज़ है जो कि आपको सॉफ्टवेयर में चेक करनी पड़ेगी, वो है आपके एंड्रॉइड अपडेट्स। जी हाँ गाइस, एंड्रॉइड अपडेट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं अगर आपको फोन लंबे टाइम तक चलाना है। अगर जैसे आप फोन ले रहे हो तो एटलीस्ट एक नॉर्मल कॉमन मैन जो फोन लेता है आम आदमी, वो 3-4 साल तो चलाते ही चलाता है, तो उसमें जो है आपको एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे तब तक के कि नहीं, ये चीज़ भी मैटर करती है। तो आपको एंड्रॉइड अपडेट चेक करना है कि कंपनी ने क्लेम किया हुआ है 3-4 साल तक का एंड्रॉइड अपडेट कि नहीं। अब आते हैं हम लोग अपने एक और इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो कि रैम और रोम, मतलब हमारी रैम और स्टोरेज। बहुत से लोग कहते हैं भाई इसमें 12 GB रैम है, 16 GB रैम है, 32 GB रैम है, ये ले लो, और इसमें तो 4 GB रैम है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें भी आपका घपला, मतलब आपका लोचा हो सकता है, कि जरूरी नहीं जो आपका परफॉर्मेंस 12 GB रैम दे रहा है और वो इस फोन का 4 GB रैम ना दे पाए। मैं एंड्रॉइड और आईफोन की बात नहीं कर रहा हूँ, आईफोन का ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीटली डिफरेंट है और एंड्रॉइड का ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीटली डिफरेंट है, आप इसको साइड में हटा दीजिए। एंड्रॉइड में ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब जो है रैम दो टाइप की आने लगी है, एक आती है LPDDR4X रैम और एक आती है LPDDR5X रैम। तो अगर आपकी LPDDR4X में आपकी 12 GB या 8 GB की भी रैम है
वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी जितना 4GB रैम दे जाएगी LPDDR5X का। तो आपको सिंपली ये चेक करना है कि DDR4X है या DDR5X है। और अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको ये नहीं जाना कि भाई 1 TB की स्टोरेज मिल रही है, इसमें 64GB की स्टोरेज है, वहाँ पे 256/512GB मिल रही है। सब मतलब कंपनीज जो है खाली नंबर्स दिखा के पूरा गेम चेंज करना चाह रही होती है, बट ऐसा होता नहीं है। मैं बता दूं क्योंकि स्टोरेज में भी काफ़ी अलग अलग आती है, एक आती है EMMC स्टोरेज और एक आती है UFS स्टोरेज। EMMC जो होती है काफ़ी स्लो होती है और बेकार क्वालिटी की स्टोरेज होती है, वही जो UFS स्टोरेज होती है वो काफ़ी फास्ट होती है और काफ़ी अच्छी स्टोरेज होती है। और ये स्टोरेज महंगी होती है इसलिए आपको ज़्यादा प्राइस में कम स्टोरेज मिलेगी, बट आपको प्रीफर हमेशा UFS स्टोरेज ही करनी है। इस टाइम पे हर फोन में UFS 3.0 स्टोरेज आ रही है और कुछ कुछ फोन्स में जो फ्लैगशिप की तरफ आप थोड़ा बहुत बढ़ोगे तो आपको UFS 4.0 भी देखने के लिए मिल जाएगी इजीली। अब कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जो आपको देखनी देखनी पड़ेंगी भाई, अगर आप फोन ले रहे हो आपको अच्छा फोन चाहिए तो वो चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप 15,000 तक का फोन ले रहे हो ना, आप हर आदमी जो 15-20,000 का फोन लेके चलता है, आपको चेक ये करना है कि आपके फोन में USB 3.0 है कि नहीं, मतलब वो टाइप सी वाला चार्जिंग केबल है कि नहीं। और अगर 3.5mm जैक मिल रहा है तो भाई वेल एंड गुड है, आप उसको प्रेफर कर सकते हो, बट उसकी स्पेसिफिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप एक 3.5mm जैक के लिए सब कुछ हटा दो। तो और मेरी एक एडवाइस रहेगी, आप इस समय जो भी फोन लो मैं कहूँगा गो विद द 5G। 4G फोन्स पे मत जाइए क्योंकि 4G फोन्स का अब कोई मतलब अस्तित्व नहीं रह पाएगा कुछ दिनों के बाद, क्योंकि अगर आप अभी फोन ले रहे हो तो आपको वो फोन आगे 3-4 साल चलाना है, तो वो आपको सोच के लेना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा गो विद द 5G। और 5G में भी आपको बैंड चेक करने, हर कंपनी कहेगी मैं 20 बैंड दे रहा हूँ, 25 बैंड दे रहा हूँ, 16 बैंड दे रहा हूँ, आपको बैंड से ज्यादा कोई मतलब नहीं, बस ये है बैंड आपकी जो है नेटवर्क स्पीड को बढ़ा देगा। एंड चेक आपको ये करना है बैंड्स में N78 बैंड है कि नहीं, क्योंकि इंडिया में वही बैंड है जो सबसे अच्छा सपोर्ट करता है। तो अगर आपको N78 बैंड मिल रहा है भाई बेस्ट। तो अगर हम लोग ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ भी आपको चेक करके लेना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि आपका ब्लूटूथ 4.1 से कम हो। वैसे कोई कहने वाली बात नहीं है, हर कंपनी जो ब्लूटूथ 5.0 इजीली प्रोवाइड कर रही है, तो आपको एक बार वो चीज़ चेक करनी पड़ेगी, छोटी सी चीज़ है बट मैटर करती है। एंड दूसरी चीज़ है हम लोगों की वाईफाई, एटलीस्ट वाईफाई 6 तो होना ही होना चाहिए, नहीं तो आप जो इसमें फास्टेस्ट वाईफाई वाले जो चल रहे हैं जिसको हम लोग 5G वाईफाई कहते हैं, वो आप अपने फोन में नहीं कनेक्ट कर पाओगे, मतलब कनेक्टिविटी में दिक्कत आएगी अगर आपका वाईफाई 6 से कम। सो ये थे कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें और कुछ ऐसी फंडामेंटल स्पेसिफिकेशंस जो आपको पता होनी चाहिए, और अपने हिसाब से आप उनको जो है एक लिस्ट में लिख लीजिए कि आपको इतना परफॉर्मेंस चाहिए, इतना कैमरा चाहिए। तो ये था कंप्लीट गाइड कि आप कैसे एक बेस्ट फोन अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो पूरी मार्केट में जहाँ पे लाखों फोन है सेम प्राइस रेंज में। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा, एंड जी हाँ, इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।